नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन के कॉन्स्टिपेशन वगैरह की। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि डाइजेशन ठीक नहीं है, खाना पीना लगता नहीं है शरीर को, या तो मोटापा हो जाता है या फिर दुबले रह जाते हैं। सबका एक ही जो रीज़न है वो है डाइजेशन का प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो में हम उन मेन आसनास के बारे में जानेंगे जो आपके डाइजेशन को अच्छा बनाएंगे और आपके पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छे डाइजेशन के लिए आसनों की बात करें तो सबसे पहला है वज्रासन। खाना खाने के तुरंत बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं और तो और आप इस आसन में खाना भी खा सकते हैं। अच्छे डाइजेशन के लिए खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए तो जरूर बैठें। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकेंड आसन है मंडुकासन। मंडुकासन के लिए आप सबसे पहले जमीन पर या फिर किसी प्लेन सरफेस पर वज्रासन में बैठ जाएं, फिर इस तरीके से मुठिया बनाकर नेवल के दोनों ओर रख लें और अब एल्बो को पीछे की ओर करके और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएं। गर्दन को उठाकर रखें। अब इसी आसन में करीब 10 से 30 सेकंड के लिए रुकें और नॉर्मल सांसें लेते रहें, फिर सांस लेते हुए वापिस आ जाएं। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्ड आसन है पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन करने के लिए जमीन पर या फिर किसी प्लेन सरफेस पर अपने पैर सीधे करके और कमर और गर्दन सीधे करके बैठ जाएं, फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचकर कमर को और सीधा कर लें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने पैरों को अपने हाथों से छूने या फिर पकड़ने की कोशिश करें। याद रखें कि कमर को सीधा रखना है और सर को घुटने से लगाने के चक्कर में कमर को गोल ना कर दें आप। अब इसी आसन में आप करीब 10 से 30 सेकंड के लिए रुकेंगे और नॉर्मल सांसें लेते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोर्थ आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। इसके लिए सबसे पहले आप दोनों लेग्स को सीधा करके जमीन पर या किसी फ्लैट सर्विस पर बैठ जाएं। अब राइट लेग को सीधा करके और लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट नी के दूसरी ओर रख लें और अपने लेफ्ट हैंड को बैक के पीछे प्लेस करें और राइट हैंड को लेफ्ट नी क्रॉस करते हुए लेफ्ट फुट या फिर राइट नी को होल्ड कर लें और साथ ही लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करना शुरू कर दें। अब इसी आसन में करीब 10 से 30 सेकंड के लिए रुकें और नॉर्मल सांसें लेते रहें, फिर सांस लेते हुए वापिस आ जाएं। अब यही सब दूसरी साइड भी करें। डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिफ्थ आसन है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को बैंड करते हुए चेस्ट की ओर लाएं और दोनों हाथों से शिन को मिडल से होल्ड कर लें, फिर सांस छोड़ते हुए अपने चिन को धीरे धीरे नीज की ओर लेकर आएं और लगाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बटक्स ऊपर नहीं उठने चाहिए। इस आसन में भी 10 से 30 सेकंड तक आप रुकें और नॉर्मल सांसें लेते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएं। ध्यान रखें कि इन योगिक आसनों को रेगुलर तरीके से करने पर ही इसके फायदे मिलेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि सभी आसन खाली पेट ही करने हैं। और अगर किसी तरीके की कोई इंजरी हो या फिर मेडिकल कंडीशन तो किसी अच्छे योगा टीचर की सुपरविजन में ही ये सभी आसन करें। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।